सूचना तो अवश्य है महारानी, पर पहले महाराज के बारे में सूचना जानना चाहता हूँ मैं। अकलासुर, शिष्टाचार कहाँ है तुम्हारा? खड़े हो के वार्तालाप करो, ये मत भूलो कि तुम राज सिंहासन को उत्तर दे रहे हो। सिंहासन पर सिंह ना हो तो शिष्टाचार का प्रश्न नहीं उठता। मैं खड़े होकर पूरी विनम्रता से उत्तर देता यदि महाराज कंस यहाँ होते तो। पिछले 3 वर्षों में इस सिंहासन का भार किसने संभाला है अकालासुर? महाराज कंस के प्रतिनिधि के रूप में किसने बनाया मथुरा को अधिक समृद्ध, अधिक शक्तिशाली? बोलिए, किसके हाथों में सुरक्षित रही है महाराज कंस के साम्राज्य की बागडोर? यही तो मेरा प्रश्न है महारानी। साम्राज्य महाराज कंस का, सिंहासन महाराज कंस का, पर अदृश्य कौन है? स्वयं महाराज कंस। आप ही बताइए महारानी, कहाँ है महाराज? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है अकालासुर कि महाराज गहन तपस्या में है? अपने साम्राज्य और प्रजा के हित के लिए वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। राजा का पहला कर्तव्य उसकी प्रजा के प्रति होता है। पिछले 3 वर्षों से प्रजा ने उनको देखा तक नहीं है, न जाने वो जीवित हैं या। बस, बस, बस। मुझे कान्हा ने बुलायो है। देखना, अब घर खेल के मैदान में बदलने वालों है। खिलाड़ी बस आते ही होंगे और सबसे पहले आएगा वो जो कान्हा का सबसे प्रिय और आज्ञाकारी मित्र है, सुबल। नारायण नारायण, कान्हा ने बुलायो, मैं दौड़ा चलायो। तू तो पहले से ही फल खा रहो है, हुँ? अब जो मैं इतने सारे व्यंजन बना रही हूँ उसके लिए तो तेरे पेट में स्थान ही ना बचेगी। मैं बचा लूंगा काकी, ये तो अभी समाप्त कर ही दूंगा, फिर जब बनाएगी वो भी खा लूंगा। ना कहकर उनका अपमान थोड़ी ना करूंगा मैं। अब दूसरा आएगा वो जिसका बड़ बोला व्यवहार पूरे गोकुल को पतो है, कान्हा का सबसे पहला मित्र सुमति का लल्ला उज्जवल। कान्हा, तेरे भोपू का स्वर सुनते ही चला आयो, पता है कितनी कठिनाई हुई मुझे? शीघ्रता के चक्कर में गिरते गिरते बचो और फिर भी भागते दौड़ते सबसे पहले पहुंचो यहाँ। पर सबसे पहले तो सुबल पहुंचो है। हाँ हाँ, वो तो इसलिए कि मैंने पहुंचने दियो। अरे कहीं तो प्रथम आने का अवसर मिलना चाहिए हमारे मित्र को, है कि ना? एक का पेट बातों से ना भरता और एक का भोजन करके भी ना भरता है। पर सुबल, तू जो खा तो है वो जा तो कहाँ है? मेरा आकार बड़ा है ना, इसलिए अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। सुबल, तू चिंता मत ही कर, तेरा प्रिय व्यंजन बनाया मैंने, खीर चूरमा। अब देखना सब, अब आएगा वो जो बोलता तो है पर तनिक धीमी गति से, पर दौड़ता घोड़े की गति से है। कान्हा ने पुकार लगाए, मेरे पांव ने गति पाई। भाई वाह यशोदा, तुम्हें तो सब पता है, किसका व्यवहार कैसो है, किसे कौन सो व्यंजन पसंद है।
मुझे तो जे भी पतो है कि अगला कौन आएगो। अच्छा तो बताओ कौन? अब आएगो गोकुल का सबसे बड़ा सत्यवादी, पूर्णा मौसी का पोता मधुमंगल। नारायण नारायण। चलो अब तो मैं भी आगो, अब खेले। पर कान्हा तो अभी खेलना आरंभ करेगो। ऐसा क्यों? इसके दाव तो आएगी ना, और दाव के बिना कान्हा कछु आरंभ करे जे तो संभव ही ना है। दाव कहाँ रह गए? कान्हा वो वसंता से मिलने गया है। दोनों एक साथ ही आएंगे। दाव आ गए, वसंता दाव के ऊपर। नारायण नारायण नारायण। बलराम, बसंता को कंधे पे उठाने की क्या आवश्यकता थी? कंधे पे लेकर ना आता तो आता ही नहीं काका जी, एक कोने में भैंसे डुबक कर बैठ गया था और नारायण नारायण जप रहा था। बस तो फिर नारायण का नाम सुन के नाव को सहायता तो करनी ही थी। भय कोई भूत प्रेत का था क्या? क्योंकि जब मैं भी उस मार्ग से आ रहा था तब मेरे पीछे भी एक भूत पड़ गया था। उसके इतने लंबे हाथ थे और पांव तो भूत नहीं बिल्ली पड़ गई थी इसके पीछे। हाँ चलो हम छुपन छुपाई खेलेंगे। महारानियों के लिए मेरे मन में सम्मान बहुत है, पर महाराज का स्थान कोई और नहीं ले सकता। आप सब विचार कीजिए, महाराज अपनी प्रजा के साथ छुपम छुपाई क्यों खेल रहे हैं? तुमने कहा था नए अस्त्र शस्त्र आ चुके हैं, दिखाओ। जी लाओ। ऐसे तलवार का भय दिखाकर आप मुंह बंद करवा सकती हैं, पर मन में उपजे प्रश्न को आप नहीं रोक सकती। महारानी, अकलासुर का प्रश्न उचित ही है। अन्य सभासदों के मन में भी यही जिज्ञासा है। हम सब महाराज को देखना चाहते हैं। महारानी एक बार दर्शन करा दीजिए ना महाराज के। कहीं प्राप्ति को क्रोध आ गया तो इनकी जिज्ञासा प्राणों की आहुति ले लेगी। तो क्या चाहते हैं आप सब? कि महाराज की तपस्या भंग हो जाए, हम महाराज को साधना के बीच से उठा दे, क्योंकि आप सभी को उनसे मिलना है। जब तक युद्ध की स्थिति ना हो तलवार मयान के भीतर ही अच्छी लगती है, और आवश्यकता ना हो तो जीभ मुंह के भीतर ही शोभा देती है। आप सभी को अपने महाराज से भेंट करने का पूरा अधिकार है, इसलिए आज अश्विन पूर्णिमा को महाराज कंस आपसे अवश्य भेंट करेंगे। महाराज कंस की जय। महाराज कंस की जय। महारानी अस्ति और महारानी प्राप्ति की जय। अकालासुर आना मत भूलना। चलो अब हम भी अपना कार्य आरंभ करते हैं। हाँ जी जी चलो। भोजन के लिए तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो तुम लोग देख क्या रहे हो? खेल आरंभ करो। बोलो ना कौन लगो पहली दाव? ठीक है सदैव मेरे लल्ला को ही पहला दाव दे देते हैं।
वो मेरा भोला भाला काना मान भी लेतो है। बालकों को जैसे आनंद आए खेलने दो उन्हें, पर कभी तो मेरे लल्ला को भी छुपने का अवसर मिलना चाहिए। बहुत प्रवीण है छुपने में, मुझसे अधिक कौन समझेगा? एक काना चल मती कर, नहीं तो फिर से दाव लेनी पड़ेगी। एक दाव लेने वाली की आंखें अनेक। दो सिगरेट सिगरेट छुप लो। तीन आरो हूँ बजाते हुए बीन। चार सब हो गए ना तैयार। पांच अब देखो काना का नाच। यशोदा ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यही है, यही तो है जीजी। चल लद्दी गिर गए हो ना, और आटा डाल देती हूँ, सारे बालक पेट भर के पूरियां खाएंगे। जो सेम छुपने पर पारंगत है उससे कितनी देर छुपेंगे ये सब? खेल के बहाने ही सही, एक बार बाहर आ जाओ कृष्ण। आओ देखो तो सही, कौन है तुम्हारी प्रतीक्षा में इतना व्याकुल? कान्हा, बाहर सबको छुपने से मना किया है मैंने, बाहर कोई ना छुपो है। यहाँ कौन छुपा हो सकता है? मुझे पता है, भोजन बनते ही सबसे पहले कौन आएगा खाने? सुबल। वार के पीछे सुबल छुपा है। जानती हो रोहिणी जीजी, मेरा कान्हा तो किसी से भी ना डरता, ना भूत से ना प्रेत से, और बिल्ली और बैल तो कछु गिनती में ही ना है। अवश्य मैया वसंता के बारे में संकेत दे रही है। वसंता तू बोरे में छुपो है ना, चल बाहर आ जा। नो कर लो बात, मैं तो अपना कार्य कर रही हूँ और तुम सब खेल रहे हो, तो मैं तो भंडार कक्ष में भी नहीं जा रही। भंडार कक्ष में कोई चुप है? जितना है काकी जी, आप छल कर रही हो ताई जी। छल 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 छल। अच्छा जी, मैं और छल, ये तो संभव ही ना है। आपने संकेत दियो है खाना को, खेल में इसकी सहायता करके छल की है आपने। अच्छा छल मैं करती हूँ, छल तो तुम सब करते हो मेरे लल्ला के साथ उसे पहला दाव देके। ये अनुचित है ताई जी,
ताईजी ने छल किया, ताईजी ने छल किया, ताईजी ने छल किया, ताईजी ने छल किया, मेरी मैया ने कोई छल ना किया। पर ये सत्य है कि इन्होंने तुम्हारी सहायता की है ना? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए सुधा। आपको बालकों के बीच में ना आना चाहिए जी। अरे मैं आ रहा हूँ बीच में, बालकों के खेल के बीच में तो तुम आ रही हो। उचित कहाँ, ताऊ जी सही कह रहे हैं, ताऊ जी सही कह रहे हैं। देखो ताऊ जी सही कह रहे हैं। मैं आई हूँ तुम लोगों के खेल के बीच में? हाँ। पक्की बात? हाँ। क्योंकि मैं तो स्वादिष्ट खीर चूरमा और पूरियां बनाने जा रही हूँ तुम सबके लिए, वो भी माखन के साथ। मैया तो मुझसे भी अति चतुर है। अंतिम अवसर दे रही हूँ, बता दो। मैं बीच में आ रही थी ना। मैंने छल करो क्या ना। पक्की बात? पक्की बात काकी, आप तो अपने कार्य में व्यस्त थी। हाँ, हमारे लिए पकवान बना रही थी। तो चलो बस पात में बैठ जाओ स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए, आ जा। एक बार तो बाहर आओ कृष्ण, अपनी पीड़ा तुम्हें देनी है मुझे और तुमसे लेना है सुख। अपनी एकमात्र इच्छा पूरी करने का सुख। आश्वासन तो तुमने दे दिया, किंतु इस दशा में कैसे मिलाओगी इन्हें सभासदों से? यदि वो सभी शीघ्र ही महाराज से नहीं मिले तो इन्हें मृत मानकर विद्रोह कर देंगे सब। हमें राज सिंहासन से नीचे उतार देंगे, हम पर आक्रमण कर देंगे और हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब और कोई उपाय नहीं है अस्थि, हमें किसी भी तरह इन्हें इस कक्ष से बाहर निकलने के लिए मनाना ही होगा। बलराम कान्हा कहाँ है? मुझे ना पता काकी। यशोदा होगा यही कहीं, देखना खीर चूरमा की गंध से कैसे अब भी दौड़ा चलाएगा। छे तो है पर गयो कहाँ? जी जी आप इन सबको भोजन कराओ ना, मैं उसे ढूंढ के लाती हूँ। आ जाओ, आओ और पास आओ कृष्ण, आ जाओ, आओ कृष्ण, आओ आ जाओ। कान्हा, कान्हा प्रभु, मेरे कान्हा, आज तुमने मेरी वर्षों की इच्छा पूरी कर दी। मैं तरस रही थी तुम्हारे चरण स्पर्श के लिए। इतनी लंबी प्रतीक्षा कराने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ भू देवी। बताइए मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इस फिल्म का प्रेषित हो पाए? जो चाहिए था वो तो आपने पहले ही दे दिया प्रभु। अपने चरण कमल मुझ पर रखकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, पर
मेरे पास आपको देने के लिए अपनी तुच्छ मिट्टी और कंकड़ के सिवा कुछ नहीं है। मैं आपको क्या उपहार दूं प्रभु? आप सभी प्राणियों को अपने ऊपर स्थान देती है देवी। कोई पापी हो या महात्मा किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, इसलिए आपकी मिट्टी और कंकड़ तुच्छ नहीं है देवी। यदि आप मुझे कुछ उपहार देना चाहती हैं, तो प्रेम और समर्पण के रूप में अपनी मिट्टी दीजिए। मैं आनंद से स्वीकार करूंगा। इतने वर्षों में स्वामी का ध्यान कभी भंग नहीं हुआ, क्या अचानक क्या हो गया इन्हें? स्वामी, महाराज, स्वामी, महाराज संभालिए अपने आप को। कान्हा, 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 कान्हा रुक जा, रुक कहीं ना, बस बहुत हो गया भूल पे भूल, पर आज तो तूने सीमा ही पार कर दो। पहले मैया को फूल देके प्रसन्न कर तो है, और फिर ऐसी सतानी। आज तक तूने केवल मैया का प्रेम देखो है काना, पर आज तू क्रोध देखेगो। आ मैया, चल भीतर, चल। वाह,
क्या सखाए मेरे, मुझे अकेला छोड़ के चले गए सबके सब। कैसा ढीठ ठहरे तू, अभी भी दृष्टि बाहर की ओर है तेरी। धन्यवाद दाऊ, कम से कम आप तो मेरे साथ। बहुत पंख लग गए हैं ना पाँव में। चुपचाप बैठ और कान खोलकर मेरी बात सुन। मैंने मना की थी ना बाहर जाने से, आज्ञा का पालन करना आता है कि ना? पर मैया, आज्ञा पालन क्या होता है? जे इतनी सी बात भी मैं समझाऊं तुझे? कान्हा, आज्ञा का अर्थ है जो बड़े कहे, और पालन यानी मानना। किंतु जे बात तो इसके समझ में आती ही ना है ना जिजी? इसका मन तो बस शैतानी में लगता है। पर मैया। चुप, चुप लल्ला। कुछ मत बोलियो और चुपचाप यहां बैठा रहे। जी देख, दशा देख अपनी। जी हाथ में मिट्टी लगो, मिट्टी खा रहा था। क्या कहेंगे सब कि जसोदा अपने लल्ला को खाने को ना देती है। कर महाराज, महाराज ये क्या हो रहा है आपको? संभालिए। आपको क्या हुआ है महाराज? और आपके मुंह में ये मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी कोई खाने की वस्तु है भला? हाँ, और मैंने मना करने पर भी बाहर गयो, और मैं पकड़ने आई तो भागने लगो। अब कछु बोलेगो भी कि चुप रहेगो? आप भी कछु बोलोगे इसको कि केवल मैं ही बुरी बनूं? सुनाई दे रहा है कि ना? कछु बोलोगे आप कि ना? इससे पहले बाबा को मेरे कारण मैया का क्रोध सहना पड़े, मुझे तो कुछ करना ही पड़ोगो मैया। वैसे तो मुझे चुपचाप बैठ के आज्ञा पालन करना है, पर आप आज्ञा दे तो मैं आपसे क्षमा याचना कर लूं। वाह, पहले भूल पे भूल और फिर जे क्षमा याचना, इसकी कोई आवश्यकता ना है। खाना क्षमा मांगने के लिए केस नहीं, कान पकड़ते हैं। वो भी दाएं हाथ से बायां कान, बाएं हाथ से दाया कान। आज तो कितने भी जतन कर ले लल्ला, मेरा क्रोध शांतता हो। हाँ नहीं तो बड़ी माँ, बाबा सहायता करो ना। दरबार में आप क्षमा कीजिए, हम आपकी तपस्या में विघ्न नहीं डालना चाहते थे। आज्ञा दीजिए।
महाराज की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो किसी से भेंट करें, और ना ही वे स्वयं किसी से भेंट करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे? जब तक छोटी माँ ना कर तब तक तू ऐसे हिल भी नहीं सकता खाना। अब क्या करेगा तू? क्या कर रहा है तू? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोल के बताना। ओहो दाऊ, इतना भी नहीं समझते? भैया ने चुपचाप बैठने की आज्ञा दी है ना, आज्ञा पालन कर रहा हूँ। कैसे बोलूं? कर, अच्छे से कर। फिर मुझे क्या संकेत दे रहा था ये तो बता। तनिक देख के बताओ ना दाऊ, भीतर क्या हो रो है? ना ना, तू मुझे भी फंसवा देगा। आप मेरे दाऊ हो ना, मेरे अच्छे वाले दाऊ हो ना, मेरे प्यारे वाले दाऊ हो ना। आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा? अच्छा अच्छा ठीक है, पर स्मरण रखना, कभी मैं फंसू तो तुझे भी मेरी सहायता करनी पड़ेगी। इतना क्रोध ठीक नहीं है यशोदा, अब शांत हो जाओ। बालक है वो, छोटी मोटी भूल तो करेगो ना। आप दोनों मुझे समझाने का प्रयास मत ही करो। छोटी माँ को मनाने को प्रयास हो रहा है। यशोदा, कितने वर्षों से लल्ला घर के बाहर ना गए। जब उसके सखा संसार के बारे में उसे भिन्न भिन्न बातें बताते होंगे, उसे नदी पहाड़ पशु पक्षी पेड़ पौधे इन सब की कथाएं सुनाते होंगे, तो उसका भी तो कितना मन ललचाता होगा ना घर के बाहर जाने को। और जो बाहर जाके जो संकट में पड़ जाता है उसका क्या? इतने वर्षों से गोकुल में कोई अनहोनी कोई दुर्घटना ना घटी। यशोदा, मेरा तो यही मानना है कि अब हमें लल्ला को घर के भीतर और बंद ना रखना चाहिए। तुम्हें बाहर जाना चाहिए की बात हो रही है। बाहर पांव धरते तो वो मिट्टी खाने लगो, और आप कह रहे हो बाहर जाने दो। यशोदा, कौतूहल के कारण खा ली होगी मिट्टी उसने। अरे जो बालक कभी बाहर ही ना गए हो उसे क्या पता मिट्टी क्या होती है। यशोदा, माँ की ममता और मन की चिंता दोनों समझती हूँ मैं। मैंने भी तो बलराम को कितने समय तक घर में ही बंद करके रखा था, तब तुम्ही ने समझाया था मुझे। बस अब वही बात तुम्हें समझनी है। मैं जानती हूँ तुम कान्हा की सुरक्षा चाहती हो, पर अब यही सुरक्षा उसके विकास में बाधा बन रही है। यशोदा, जब प्रतिबंध अधिक हो जाए तो बाल मन में उसे तोड़ने का भाव पनपने लगता है। हो सकता है कान्हा ने आज तुम्हारा वचन इसीलिए तोड़ा हो। तुम जानती हो कान्हा इतने प्रश्न क्यों करते हो? क्योंकि उसे उत्तर चाहिए, और उसके लिए उसका बाहर जाना, इस संसार को स्वयं अपनी आंखों से देखना आवश्यक है। यशोदा, सब कुछ समझाने या बताने से नहीं समझता, स्वयं अनुभव करना पड़ता है, तभी हो पाता है संतान का संपूर्ण विकास। तुम्हें अब निर्णय लेना होगा यशोदा, कि अधिक आवश्यक क्या है। लल्ला स्वयं अपनी रक्षा कर सके, लल्ला स्वयं अपनी रक्षा कर या सके, फिर सदैव, या फिर सदैव तुम पर आश्रित रहे। उसका विकास अन्य बालकों की तरह सामान्य ढंग से हो, या फिर सदैव इस घर में रहे, तुम्हारे आंचल में छुपकर, तुम्हारे आंचल में छुपकर।
क्या कर रहा है? वो चल। बहुत मन है तेरा बाहर जाने का? बोल ना। तो तेरे बाबा और बड़ी माँ को लगतो है कि मुझे तुझे बाहर जाने देनो चाहिए, किंतु मैं बड़ी दुविधा में हूं लल्ला। इसीलिए मैंने निर्णय लियो है कि अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही है मैया, शीघ्र बताओ ना क्या निर्णय है आपका। तू बाहर तो जा सकतो है, पर एक वचन देना पड़ेगो। कैसा वचन? यही कि लल्ला केवल उतनी ही दूर जा सकतो है जहां तक हम दोनों को एक दूसरे का स्वर सुनाई दे। यशोदा, स्वीकार है तो ही आज्ञा मिलेगी, ना तो ना। पर मैया, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका स्वर कहां तक सुनाई देतो है? सुनो जी, आप तनिक बाहर जाके दिखाओ ताकि लल्ला को ठीक ठीक दूरी समझ आ जाए। जाओ ना। सुनाई दे रो है कि ना? हाँ हाँ, सुनाई दे रो है। और पीछे जाओ। और जाओ। अभी सुनाई दे रो है? हाँ हाँ, दे रो है। और जाओ। अभी सुनाई दे रो है? हाँ। हाँ हाँ, तेरो है। देख लो लल्ला, यहीं तक। ये बाहर जाना थोड़ी हुआ मैया, समझ गयो? हाँ, बस इतनी दूर जा सकते है तू। यशोदा, परंतु इतनी दूर में बाहर जाना थोड़ी ना हो। अभी के लिए बस इतनी दूर जाने दूंगी मैं, स्वीकार ना हो तो बता दो। स्वीकार है। आप सबके स्वीकार करने से कछु ना होगो, जिसे आज्ञा चाहिए उसको स्वीकार करना पड़ेगो। इससे पहले कि मैया अपना मन बदल दे, बोल। स्वीकार है मैया, मुझे स्वीकार है। मुझे तो लगा था कि तू तो आज्ञा मिलते ही बाहर भाग जाएगो, पर तू तो यही बैठो है। भैया, आपने तो ही बैठने को बोला था ना, मैं तो आज्ञा पालन कर रहा हूँ। बहुत आज्ञाकारी हो गए तो। आजा मैया के पास। यशोदा, आज रात अश्विन पूर्णिमा के जागरण के लिए मंदिर आ रही हो ना? अरे हाँ, मैं तो लल्ला के चक्कर में भूल ही गई। बाबा, रात्रि जागरण क्या होता है? हम पूरी रात जाग कर जब प्रभु का भजन करते हैं,
उसे जागरण कहते हैं। फिर तो मैं भी पूरी रात जाके जागरण करूंगा। भैया मैं मंदिर जा सकती हूँ? ना, बिल्कुल ना। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद बहुत आवश्यक है। यशोदा मान जाओ, तुम्हें तो कही कि जे वहां तक जा सकते है जहां तक इसे तुम्हारा स्वर सुनाई दे। आना मंदिर में हमारे साथ रहेगो, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे स्वर की पहुंच में। सदैव ऐसे ही हट करके अपनी मन की करवाई लेते हो दोनों, बाबा और लल्ला। लगता है मान गई मैया। मैं मंदिर जाऊंगा मैं पहली बार मंदिर जाऊंगा। हाँ जाएगो। बलराम सुन, ध्यान रखियो कि जे फिर से मिट्टी ना खाए। और तू सुन ले, यदि तूने फिर से मिट्टी खाई ना तो तेरे दाऊ मुझे सब बता देंगे और तेरा बाहर जाना फिर से बंद। दोनों को समझ आई? अब मैं और रोहिणी जी जाके अश्विन पूर्णिमा के लिए खीर बनाने जा रहे हैं। मैया अश्विन पूर्णिमा क्या होता है? अब तो तू मंदिर चली रहो है ना खाना। सदानंद पंडित जी से स्वयं पूछ लियो, पूरा पाठ पढ़ेंगे वो अश्विन पूर्णिमा का। लगता है तुम भूल गई हो, अश्विन पूर्णिमा आज ही है। रात हो चुकी है और थोड़ी ही देर में सभासद आने लगेंगे। ये सब अपने महाराज से मिलना चाहते हैं ना, तो आज ही नहीं इनके महाराज अवश्य मिलेंगे। सुनो कुछ दीपदंड बुझा दो, महल में प्रकाश कम से कम होना चाहिए, विशेष रूप से महाराज के सिंहासन के चारों ओर। श्री हरिनारायण भगवान की। चंद्रदेव पधार गए, चलो हम सब खीर का प्रसाद उनके प्रकाश में रख दे। हाँ वहाँ क्या हो रही है? सब खीर को चंद्रमा के प्रकाश में रख रहे हैं। ऐसा क्यों? ताकि खीर प्रसाद और अधिक मीठी और पौष्टिक हो जाए। चंद्रदेव का स्वाद मीठा होता है क्या? हाँ। और गुड़ से भी अधिक मीठा। तभी सब रात में पंछी उठ के चंद्रदेव तक जाते हैं उनकी मिठास का स्वाद लेने।
अपने झरोखे से देखू है। अब जे कान्हा कह रो है तो सत्य ही हो वो। लगता है हमारे साथ आज भी उपहास होने वाला है, आज भी महाराज कंस के दर्शन नहीं होंगे। ये अनुचित है, महारानी ने आश्वासन दिया था हमें। हाँ, बिना महाराज के दर्शन के कोई वापस नहीं लौटेगा। आज हम महाराज से मिलकर ही यहाँ से जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि महाराज जीवित हैं या नहीं। हम महाराज से मिलकर ही जाएंगे। ताऊ, आपको पता है चंद्रदेव खीर को और मीठा कैसे बनाते हैं? तुम दोनों तो हमसे बड़े हो, तुम्हें पता है? मुझे केवल इतना पता है कि जब ये खीर खाने को मिलती है ना, तो बहुत स्वादिष्ट और मीठी भी लगती है। लग तो है, अब मुझे ही जाके पता करना पड़ेगा। समय आ गया है कि पता लगायो जाए चंद्रदेव इस खीर को मीठा कैसे बनाते हैं। काना, वहाँ मत जाना, सुबह ही डांट पड़ी है, फिर से पड़ जाएगी। चिंता मत करो दाऊ, आप सब बस मेरे पीछे रहना। आज हम सब चंद्रदेव का रहस्य पता लगा के रहेंगे। क्यों मित्रों? ठीक है, मैं अकेले ही पता लगा लूंगा। केवल ऊपर से तो चंद्रदेव का प्रकाश आ रही है, कहिए कि इससे तो मीठी ना हो रही। क्या कर रहा है? देख रहा था चंद्रदेव का स्वाद मीठा है क्या, पर इसमें तो कोई स्वाद ही ना है। चलो ना मैया। क्या कह रहे हो लल्ला? मैया आप चल के देखो तो सही, चंद्रदेव को कुछ हो जाए ना। लल्ला चलो ना मैया। ये देखो मैया चंद्रदेव। आप सब हंस रहे क्यों हो? चंद्रदेव को बचाओ ना। काना, चंद्रदेव तो वहां है लल्ला, देख। वहां भी और यहाँ भी दो दो चंद्रदेव है क्या? ना लल्ला, चंद्रदेव तो एक ही है, पर जब तुझसे इतना प्रेम करते हैं ना, तो जब तू आकाश में देखते है तो तुझे दिखते हैं, और जब तू नीचे देखते है तो जल में भी दिखते हैं। प्रतिबिंब है लल्ला। हाँ, मुझसे इतना प्रेम करते हैं ये, तो मैं इन्हें अपने हाथों में लेकर देखूंगा। हाथ में लेके? जे तो संभव ना है। जब ये इसमें समा सकते हैं तो मेरे हाथों में क्यों ना आ सकते? मुझे इन्हें छूना है मैया। ऐसा हट मत कर काना। पर क्यों मैया? पर आप मुझे किसी बात के लिए मना ना करती, फिर अभी क्यों कर रही हो?
क्या कह रहे हो गाना? देखो ना जी, चंद्रदेव चाहिए इसे, हाथ में पकड़ने की हट करके बैठे हैं। गाना भैया सही कह रही है, चंद्रदेव कोई हाथ में लेने की वस्तु ना है। मैया को जब मुझे इतनी छोटी सी इच्छा भी ना माननी तो मुझे यहाँ लाई क्यों? जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। लल्ला, तुझे तो पता है ना, तेरी मैया तुझसे बात किए बिना एक क्षण भी ना रह सकती। मैं आपसे तभी बात करूंगो जब आप मुझे चंद्रदेव ला के दोगी। तब तक तो ना आपके पास आऊंगो और ना ही प्रसाद खाऊंगो। हाँ नहीं तो लल्ला, अब मैं इसे चंद्रदेव कहाँ से ला के दूं? प्राप्ति, अब तुम क्या करोगी? कैसे मिलवाओगी इन सबको महाराज से? पूरा राज दरबार भरा हुआ है, सब महाराज की प्रतीक्षा में आतुर है, और कुछ सभासदों को तो ये भी संदेह है कि स्वामी जीवित है भी या नहीं। तो फिर चलो मिलते हैं उनसे। प्राप्ति, वो तुम्हारे नहीं महाराज के दर्शन करना चाहते हैं। मैंने कहा ना तुम्हें मेरे साथ चलो। छल है ये। हाँ हाँ छल है ये, हमें महाराज से मिलना है। आपने आश्वासन दिया था कि आज रात हम महाराज कंस से अवश्य मिल पाएंगे, तो कहाँ है वो? संभव को संभव कर दिया तुमने, किंतु कैसे प्राप्ति? मैंने कहा था ना, ये सब महाराज से मिलना चाहते हैं, तो इन्हें इनके महाराज अवश्य मिलेंगे। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हो, कुछ सुझाव तो दो। अरे मैं क्या कहूँ, चंद्रदेव कोई गेंद थोड़ी ना जो उसके हाथ में लाकर थमा दूं। मुझे भी कछु सूझ ना रहो। चंद्रदेव कोई गेंद थोड़ी ना जो उसके हाथ में लाकर थमा दूं। हाथ में लाकर थमा दूं। मुझे भी कछु सूझ ना रहो। पर मुझे सूझ गयो और समझ में भी आ गयो कि मुझे क्या करना है। क्या करना है? कस्तूरी सुन, कान्हा मैया, जब तक आप मुझे चंद्रदेव नहीं दोगे मैं आपसे बात ना करूंगो। इसीलिए तो बुला रही हूँ लल्ला, आजा ले ले अपने चंद्रदेव। सच्ची में? हाँ लल्ला,
चंद्रदेव चाहिए ना। चंद्रदेव को हाथ में पकड़ने के लिए तैयार है ना लल्ला? हाँ। चंद्रदेव जो सारे जग की लीलाओं का संचालन करते हैं, उनकी मैया उन्हीं के साथ आज लीला कर रही है। कौन कौन चंद्रदेव? कौन कौन? देखो मेरे पास क्या है। पर चंद्रदेव तो चुप। मुंह मीठो करना है तो मुंह बंद करना होगा। आजा लाला खा। ये सच्ची में चंद्रदेव है ना मैया? हाँ लाला, पहले आसमान में सच्चे के चंद्रदेव, फिर इसमें और अब मेरे हाथ में। मैया मैं इनका साथ चख लूं। कान के गोले को तो चख ही सकता है लल्ला। मैया ये तो सच्ची में बहुत मीठा है, मैं अपने सखाओं को भी चखा दूं। अवश्य लल्ला, अपनी जो भी वस्तु होती है उसे दूसरों के साथ मिल बांट के ही उपयोग करना चाहिए। जा। आज तो खान की गेंद ने बचा लो। चले महाराज कुछ बदले बदले से लग रहे हैं ना? संभव है कई वर्षों की तपस्या के कारण ऐसा लग रहा हो। अश्विन पूर्णिमा की रात जब सब लोग चंद्रदेव के दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं, आप सब मेरे दर्शन के लिए तड़प रहे थे। और वो तड़प इतनी थी कि उसने मेरी तपस्या, वर्षों की तपस्या भंग कर दी। वैसे ये तपस्या मैं किसके लिए कर रहा था? आप सभी के लिए, ताकि आपके महाराज और शक्तिशाली हो जाएं और उस विष्णु अवतार का वध कर सकें। पर मेरी महारानियों ने मुझे बताया कि मेरा एक भक्त ऐसा भी है जो मुझसे मिलने के लिए इतना व्याकुल है कि उसके बारे में जानकर मेरे मन में उससे भेंट करने की इच्छा जाग उठी। और फिर क्या था, मैं अपनी वर्षों की तपस्या भंग करके यहां आ गया। मीठे और स्वादिष्ट थे चंद्रदेव, एक बार और मिल जाते तो अतिथि अंदर जा जाते। इसमें देखो चंद्रदेव है। मैया के हाथ में आ गए थे तो मेरे हाथों में क्यों नहीं आ रहे हो? नारायण, नारायण, हरि हरि, बोलो नारायण,
माशाल्लाह। जाओ ना मैया, ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहे है? क्या मुझसे ना प्रेम नहीं है? चल 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 भीतर, सदानंद जी पाठ सुनाने वाले, तुझे जानना था ना अश्विन पूर्णिमा के बारे में। अश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा, इसका केवल इसलिए महत्व नहीं है कि अब वर्षा ऋतु का समापन हो रहा है, बल्कि इसका इसलिए महत्व है कि आज रात ही चंद्रदेव के प्रकाश में मैया लक्ष्मी धरती पर अवतरित हुई थी। अब मैया लक्ष्मी की पूजा करके उनके प्रिय खीर को प्रसाद के रूप में चढ़ाना है। मां लक्ष्मी अवतरित हुई धरा पर, प्रभु के दर्शन को आई, पर देख चंद्र पर ध्यान प्रभु का, माँ अचरज से मुस्काई। अद्भुत प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए आई हूं और आप चंद्रदेव के दर्शन के लिए उत्साहित है, परंतु मुझे आपके दर्शन मिल गए, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। चंद्रदेव तो फिर से आ गए, तो वो क्या था जो मैंने चखा था? लक्ष्मी मैया की पूजा के पश्चात अब हम चंद्रदेव की पूजा करेंगे, ताकि वो खीर के प्रसाद पर अपना अमृत तत्व बरसाकर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अब हम सब खड़े होकर चंद्रदेव के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। अरे चंद्रदेव कहाँ गए? अभी तो यही आकाश में चमक रहे थे। सब यहाँ है तो कान्हा कहाँ गए हो? दिख नहीं रहा है। अरे चंद्रदेव कहाँ गए? अवश्य बादलों के पीछे छुप गए होंगे। प्रकाश तो इधर से आ रहा है, पर चंद्रदेव कहाँ है? तो बताइए कौन है वो मेरा विशेष भक्त? सर, तो तुम हो मेरे वो विशेष हितैषी? अरे मेरे मित्र, वहां क्यों खड़े हो? इधर आओ। मुझे देख लिया ना अच्छे से अकला सर? अब पहचान भी लो। आप
हो गए मृत्यु के दर्शन अकलासो, संतुष्ट होना। नाम प्रभु। प्रभु, मेरा नाम तो कृष्ण है। आप चाहे तो अन्य सभी की तरह मुझे कान्हा बुला सकते हैं। कान्हा, वैसे आप कौन हो? चंद्रदेव को कहाँ छुपा दिया? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले मिल चुके हैं? मैं ही तो चंद्र हूँ कान्हा, वही चंद्र जो वर्षों से बस दूर से आपके दर्शन कर रहा है। मैं आपको अपने झरोके से दिखता था प्रतिदिन, इसके लिए आप मुझे जाने पहचाने लगे। ये ध्वनि तो कान्हा की है, है कहाँ वो? जानते हो चंद्रदेव, आपका प्रकाश मेरे खटिया पे पड़ता है, पर कभी कभी तो आप मेरे मुंह पे चमकते हो। बातें किससे कर रहा है? कोई और है जिसे कंस से मिलना है। यदि अगली बार किसी ने भी मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश भी की तो इस दृश्य को स्मरण करना और स्मरण रखना, कोई भी मेरी महारानियों से प्रश्न करने का दुस्साहस नहीं करेगा। बीते वर्षों में जैसा हुआ आगे भी वही होगा। मेरी अनुपस्थिति में सारे आदेश मेरी महारानियां देंगी और तुम सब उनकी आज्ञा का पालन करोगे, वो भी शीश झुका के। और यदि किसी ने भी मेरी महारानियों के आदेश का उल्लंघन किया तो उसकी यही दशा होगी। मनोहर, जाओ और पूरे मथुरा में इसके मृत तन की प्रदर्शनी करो ताकि सबको पता चल जाए कि मथुरा नरेश महाराज कंस अभी जीवित हैं और उनका क्रोध भी। धन्यवाद प्रभु, आज आपने मुझे अपने पास बुलाने की इच्छा प्रकट की, ये सौभाग्य था मेरा, इसे व्यर्थ कैसे जाने देता, इसलिए चला आया आपके पास, आपके दर्शन इतनी निकट से करने। कान्हा, कहाँ है तू? यही हूँ मैया, चंद्रदेव से बातें कर रहा हूँ। कहाँ है तेरे चंद्रदेव? यही मेरे सामने। चल। आ, 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 आ,
महाराज कंस ने भरे दरबार में अपने सभासद मित्र की हत्या कर दी, वो भी इसलिए कि वो अभागा तपस्या में लीन महाराज के दर्शन की मांग कर रहा था। देवकी, उठो देवकी, देवकी, देवकी तुम्हें क्या हो गया? उठो देवकी, उठो। चंद्रदेव वहां है। पलवर को मुझे लगो आप कान्हा के सामने हाथ जोड़ रहे हो। नहीं वो मैं तो... हाँ हाँ पता है मुझे, आप चंद्रदेव को प्रणाम कर रहे थे। जाओ चंद्रदेव के दर्शन के लिए। प्रणाम कर लल्ला। चंद्रदेव के दर्शन हो गए, अब चलकर अश्विन पूर्णिमा के खीर का प्रसाद ग्रहण कर लो। सबसे पहले खीर मिलेगी बालकों को। कान्हा तेरी टोली कहाँ है? मेरे सब सखा तो सो गए। सबने सोया ना, मैं जाग रहा हूँ। छोटी माँ आपने कहा था ना कि कान्हा का ध्यान रखना। जब आप कान्हा को अपने साथ ले गई थी तब मेरी आँख लग गई थी। कोई बात ना है बलराम, तूने पूरी रात इसका ध्यान रख के जिस सिद्ध कर दियो है कि तू बहुत अच्छा दाऊ ही ना, बहुत अच्छा बालक भी है। भैया अच्छा बालक क्या फोटो है? क्या मैं अच्छा बालक ना हूँ? तू और तेरे प्रश्न। बहुत समय हो गया है लल्ला, घर ना चलना है। चल चल अच्छा। सो जा अच्छा। मैया बताओ ना अच्छा बालक किसे कहते हैं? कितनी रात हो गई है लल्ला, अभी विश्राम कर, गहरी नींद सो जा। कल जो पूछना है ना सब पूछ लेना, मैया सब बता देगी। अभी विश्राम कर। मैया कल रात के जागरण के बाद थको ना तू? इतनी सुबह उठ गयो? आप भी तो उठ गई मैया, इतनी से ये कार्य भी करने लग गई। अब अपने कान्हा के लिए मैया माखन ना निकालेगी तो कौन निकालेगा भला? लाओ मैया अब मैं करता हूँ, इतनी देर से कर रही हूँ, थक गई होगी ना। प्रयास करनो है। रुक जा लल्ला। अरे वाह कान्हा ने तो बड़ी शीघ्र ही छाछ मतना सीख लियो। हाँ सप्ताह भर तक मत है गो तो थोड़ा बहुत माखन तो आ ही जावेगो। बड़ी हंसी आ रही है तुम सबको, छोटे से बालक का उपहास उड़ा के। अपना कार्य कर सब। कितना अच्छा है मेरा लल्ला, कितना बुद्धिमान है, मैया ने कही भी ना फिर भी मैया की सहायता करने आ गया। ऐसे ही होते हैं अच्छे बालक। तूने पूरी रात इसका ध्यान रख के जिस सिद्ध कर दियो है कि तू बहुत अच्छा दाऊ ही ना, बहुत अच्छा बालक भी है। मैया अच्छा बालक किसे कहते हैं?
आपने की थी ना, अब सुबह बताओगी, अब बताओ ना। जो सदैव अच्छे कार्य करे, सबका भला सोचे, बड़े बूढ़ों का आदर करे, उनका सम्मान करे, अच्छा बालक उसे ही कहते हैं। अच्छा कार्य करे और सबकी सहायता करे और सबका आदर करे और बड़े बूढ़ों की सेवा करे, जे कभी मत ही भूलियो काना, जे बहुत आवश्यक गुण है। फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल, फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल। हे लक्ष्मी नारायण, अच्छा बालक बनने के लिए बड़े बूढ़ों की सेवा करना बहुत आवश्यक है। मैं समझ गया मैया। मेरा लल्ला। जशोदा जी, ओ जशोदा जी, कहाँ चल दी हो लल्ला? अतिथि की सहायता करने। संभाल के। ठहरो चाची, मैं सीढ़ी चढ़ने में सहायता करने आयो हूँ। बड़ा आयो सहायता करने वालों, सीढ़िया में स्वयं चढ़ सकती हूँ। मैया ने कही, जो अच्छा बालक होतो है, बड़े बूढ़ों की सहायता करतो है। क्या कही तूने? बड़े बूढ़ों की सहायता? देख काना, मैं बड़ी तो होवस हूँ पर बूढ़ी ना हूँ, समझ में आई? जशोदा जी, भगवान भला करे तुम्हारा, बहुत सहायता। बूढ़ी हो गई हूँ मैं, कुछ न कुछ भ्रम होता ही रहता है। इस गोकुल में अनजान बुढ़िया की कौन सहायता करेगा? जशोदा जी, आओ सुलक्षणा, आप लल्ला को समझा दो, मैं कोई बूढ़ी थोड़ी ना हूँ। क्या हुआ मैया? मैं तो सुलक्षणा चाची को सीढ़ी चढ़ने में सहायता कर रहा था, बस अच्छा बालक बनने का प्रयास कर रहा था। जशोदा जी, मैं आपसे जी पूछने आई थी कि थोड़ा दूध मिलेगा जी? क्या है ना, आज मेरे गैया का सारा दूध बछड़ा पी गयो, कुछ बचो ही ना। हाँ हाँ मिलेगा, क्यों ना मिलेगा, बहुत है यहाँ।
बस आधी मटकी पर्याप्त है। आधी मटकी तो आप भी जाओगे चाची, मेरे सखा वसंता के लिए भी तो ले जाओ। हाँ तो पूरी मटकी दे दो। ये दोनों भी यही है? तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी, बड़ा आयो अच्छा बालक। हे नारायण, आज सुबह से एक भी फल ना बिको है। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन सदैव की तरह मैं आपके लिए सबसे अच्छा फल चुन के लाई हूँ। मिर्ची लग गई मेरी आँख। मिर्ची लग गई। दिए में घी तनिक कम है, परंतु आप जानते हो कि इस बुढ़िया के हृदय में आपके प्रति श्रद्धा तनिक भी कम नहीं है। मैं जानती हूँ कि माटी का दिया थोड़ी देर में बुझ जाएगा और ये हार रख का शरीर भी गिर जाएगा, लेकिन मेरे प्राणों में आपकी भक्ति का दिया हमेशा जलता रहेगा। वो लौ कभी नहीं बुझेगी प्रभु, कभी नहीं बुझेगी, हमेशा जलती रहेगी वो लौ। अरे कान्हा, तेरी फूंक से तो मेरी आँख सच में ठीक हो गई। अब तो मैं अच्छा बालक हूँ ना, सच्ची बताना। हाँ, तू बहुत अच्छा बालक है। बंसी जी, खाट बिछाओ, कुछ व्यक्ति मुझसे मिलने आ रहे हैं, उपनंद भैया ने कही है। जी, शीघ्रता करो। अरे इनकी बैठक होने वाली है, मैं वस्त्र लेके आती हूँ। मैं लेकर आती हूँ ना? ना वो सुलक्षणा को जलपान करा, मैं लाती हूँ। ठीक है। लगता है जितो भोजो लाए थे उतो ही वापस ले जाना पड़ेगा। मैं सहायता करूंगा मैया।